नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कन्नौज जिले में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। चोरी के मामले का जल्दी खुलासा करने के लिए 3 निर्दोष युवकों को जबरन घर से उठाया। पूरा मामला विष्णुगढ़ थाने इलाके का है। यहां मोटरसाइकिल व मंदिर में घंटों की चोरी के मामले का खुलासे को लेकर पुलिस परेशान थी। पुलिस पर बढ़ते दबाव के कारण उसने अपनी पीठ थपथपाने के लिए 3 मासूम निर्दोषों को देर रात उनके घर पर जाकर जबरन उठा लिया। पुलिस ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ जमकर अभद्रता की। इतना ही नहीं, दबंग पुलिस ने गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा, उसको धक्का दे दिया। दिलीप को दहेज में मिली बाइक को भी जबरन धर लाए। पीड़ित परिजनों की माने तो देर रात घर में पुलिस जबरन घुस गई और महिलाओं से छेड़छाड़ कर उनको गोली मारने की धमकी देने लगी। पुलिस उनके बच्चों को जबरन थाने उठा ले आई। रात भर उनके बच्चों को पुलिस ने बेरहमी के साथ पीटा। बच्चों के शरीर पर चोट के निशान देकर परिजन भड़क गए। उन्होंने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया। दूसरे युवक अकरम की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनका कहना था कि पुलिस उनको जबरन परेशान कर रही है और उनके बेटे का एनकाउंटर करने की धमकी दे रही है। उनका कहना है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो वह बच्चों सहित आत्महत्या कर लेगी। पुलिस की दबंगई की कहानी सुनाने पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सीओ छिबरामऊ को सुनाई। उन्होंने पीड़ित परिवारों को जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। लेकिन तुझको भी मरना है। अरे तू बोली क्या, मामला क्या हुआ था, क्या वजह थी? कुछ वजह नहीं थी, एकदम छत पे से कूदे और लगाए और वो लेटे थे, बच्चे जाने लगाए तो कंबल खींच दो टिकट का, क्या दूल्हा बनने जा रहा है, जल्दी चल रहे तुझको, अब बहुत मारे हो, मार रहे हो रही है क्या? क्या आप लोगों भी मारा? मेरे पापा मारा है, अपे के तुझको बहुत मारेंगे, लेडीज पुलिस लगा के लाई है। कौन है आपके? फालतू फांस आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक घंटा तीन घर में, तीन घर लूटे ऐसे हैं जैसे नहीं लूट पा, छत से कूद कूद के आए, ना गेट खुले ना कुछ। हाँ, छत पे ना कूद कूद और गिर गया है। और तो मेरे पापा के मारे हंटर खूब मारे और डंडा मारे, डंडा मारे उनके यहाँ पर लगे भी है, दो तीन डंडा की बिटिया की भी मारे। आपको साथ भी मारपीट की क्या? हम लिखे तो मेरे थप्पड़ मारे गए, तू बैठ नहीं, पुलिस होती है, नहीं मारा था वो पापा, उसने मारा, इसीलिए लेडीज पुलिस लेके आए सबको मारा। क्या नाम है आपका? साइना मजीद नाम है। माओ क्या बात हुआ, क्या मामला है? मामला कछु नहीं भैया, हमारे नाती को तो जो नहीं, वो रात ही नहीं, वो तो रात पहचान हम जुड़े थे, अब शादी अभी 20-25 दिन बाद तब आओ, पढ़ो बहू को लाई दूसरी इंतजाम लाओ, छत पर ले तो और जाना करो गड़बड़ कर घर में कूद के और ऊपर से खींचने लगे, बहू रो पर चिल जाए, अब लड़का ने कही लड़का मारने लगे, बात ऐसे पटा दे पटा मारते डंडन डंडन लाए हो रही है थाने लो। तीन दिन है मोहल्ला में खबर देगी कर सकत और लल्ला हमारे खुद बेटा, तीन पुलिस ममता तुम्हें शर्म आई बहुत चाहिए है, तब मकता तुम्हें शर्म आई बहुत चाहिए, हमारे बेटा पुलिस और हमारो नाती की दशा बनाई दी, बता पागल है। अगर न्याय आपको ना मिला तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिले तो मैं नहीं मर जाए यार, हम खुद नहीं न्याय दी, हम नहीं कहे नहीं जा मेरो नाती बंद हो नहीं, हम दफन हो जाए आए देखो न्याय कत की नहीं कत खूब हम कह रहे गाड़ी तुमने रखी है, जा कह रहे गाड़ी कोई लगा देंगे, ऐसे हमको दवा लगा दे, जमानत नहीं होगी, बहुत परेशान करो कर सकत खुले हमारा नाती तो ऐसे ना जाए पकड़ लो हम बता नहीं सकत जा छोड़ो नहीं तो है नहीं भले दफन हो जाए जोड़े निकले नहीं नाती तो ले हटे और नहीं सब चले जाए है नहीं मर जाए हम नहीं हटे हमारो एक नाती कर एनकाउंटर भी कर सकती क्या? कहाँ के रहने वाले? क्या मामला क्या है? घंटा की चोरी हमको लगाई जा रही है, लगाई मतलब हमको ड्यूटी लगा रहे हैं, बता दीजिए हमने किया है, हम मेहनत चुवाते हैं, गरीब आदमी है, जबरदस्ती मेरे को पकड़ ली मतलब लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है आपके ऊपर? शैलेंद्र नाम है और सतीश है और सैनिक, हम हाजिर हुए थे, मेरे छोटे वाले भाई को पकड़ के ले गई थी। किस लिए पकड़ के ले गई थी? घंटा की चोरी बोरा खुल लगाई गई।
क्या आपने घंटा घंटा चोरी किया था? नहीं। फिर हम उस तारीख को यहाँ पर आते ही नहीं, अपने दीदी घर गए थे। फिर बाद में मेरे भाई को पकड़े ले गई, ये बोल रही थी कि मोनू को बुलाओ, मैं गौरव को छोड़ दूंगा, अगर बुलाओगे नहीं तो गौरव को भी मार दूंगा, इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। जब आप हाजिर हो गए थे तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ मुझे मारा बहुत, और ये बोल मेरे को नानंदपुर की पुलिया पे ले गए, वहाँ पे बोले यहीं पे एनकाउंटर कर दूंगा, अगर नहीं ये देवना सच सच बताएगा ये कबूल जब बस आ गया। हाँ, अगर बोल नहीं रहे तो मार रहे थे। किससे मार रहे थे? पटा था और डंडा से मारा, और ये कान ऐसे ऐठे हाथ से हुआ। उसके बाद बहुत मारा पीछे ले जाके, इनकाउंटर करूंगा, हर बार यही बोलती रही इनकाउंटर करूंगा, इनकाउंटर करूंगा। अगर आपने ना बताया, किसी ना किसी दिन तेरा इनकाउंटर कर दूंगा अगर बताया नहीं। इससे पहले आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह हुआ था? एक था। किस चीज का? मोटरसाइकिल का था, फसाए गए थे। ऐसे फर्जी फंसा दिया था? फर्जी फंसा दिया था। कल हमने मतलब अम्बेडकर जी का प्रोग्राम किया था, उन पे ये लोग इतने सख्त हो गए हैं, इतने खिलाफ हो गए हैं कि इस कानूनी कार्रवाई करेंगे, इतने कानूनी कार्रवाई, इसीलिए हमको शाम को उठा लिया, पहले उठाई और पहले उठा लिया और फिर कहा ज्यादा बड़े वो बन गए, और हमने बहुत ही रात पूरी रात मैं पीछे कमरे में लुटा लुटा कर मारा है, और एक कम्मा पकड़ा पूरा पुलिस प्रशासन है। ये हमने कहा मम्मी से मिला तो ये कह रहे हैं तुम्हारा इनकाउंटर इनकाउंटर कराएंगे। ये राम सिंह है, अभी आपको ज्यादा मत बोलो, मरना चाहते हम, पुलिस प्रशासन अभी चालू मारना चाहते, आपको मरना चाहते हैं। सर हमारा दिलीप कुमार खट्टी गांव से सुंदर से। सर क्या मामला था भाई? सर हमें शाम को हमारे घर वाले लगन में चले गए हैं, हम अकेले घर पे रह गए थे, हमारी बेटी का छठी थी आज कल, मतलब छठी थी, तो पुलिस प्रशासन पूरा गई हमें उठा के लाई, उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे के टाइम उठा के लाई, उठा के लाने के बाद में हमें पूरी रात मारा। किस बात को लेकर उठा के लाई थी? वो ये मतलब इस बात पर उठा के लाई, कोई मतलब क्राइम हुआ होगा, मोटरसाइकिल रास्ते में कोई चोरी वोरी हुई होगी, तो उससे मतलब वो व्यक्ति यहीं पर है, उससे ये कहलवाया कि इनका नाम रख दो, वो ये कहने लगा कि ये नहीं है, तो हमें मारा और मतलब उसे धमकाया कि इसी का नाम रख दो, वो अब भी कह रहा है कि ये लोग नहीं थे, वो बैठा हुआ है थाने में। फिर आपके साथ क्या? हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ हमें पूरी रात मारा गया, और ये अब ये बोल रहे हैं कि SOG के हाथ में सौंप देंगे और तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे, और हमारी कोई थाने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी इसमें। यहाँ पर किसने किसने मारा आपको? इसने कैसे मारा? सतीश दरोगा थे, और क्या नाम, सतीश दरोगा थे, काफ़ी पुलिस वाले थे, नेम प्लेट नहीं थी, सादा में थे, और ये क्या नाम, सतीश दरोगा थे, और ज़्यादातर सादा ही में गए थे रात में हमारे घर, टोपी लगा के, नेम प्लेट थी नहीं, दरोगा जी सतीश के उन्हीं की नेम प्लेट थी, और एक वो थे क्या नाम, काफ़ी कितने लोग थे लगभग? हमारे घर पे दबिश मारी थी कम से कम 20 लोगों ने, 2 गाड़ियाँ थी, एक कार थी और एक जबरदस्ती आपका नाम रखने के। हाँ, जबरदस्ती उससे ये कहलवा रहे हैं, और एक लड़का आया हमको सर पूरी रात बटे मारी हैं, ये देखो कलपटी में बटे मारी हैं, और जो है मेरे साथ का उसे भी बटने मारी, उससे ये कहलवाया कि नाम रखो इसका, वो कह रहा मेरे साथी में नहीं थे, हम कैसे नाम रखें, कोई मैटर ही नहीं है। परसों हमारे गांव के 4 लड़कों को पकड़ा, उनसे पैसे लेके छोड़ दिया, वो लड़के आपके साथ में नहीं अभी थे। आपसे भी पैसे की मांग की? एक सिपाही ने हमसे 5,000 रुपये की मांग की है, ये कह रहा था कि तुम 5,000 रुपये दे दो, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगवाएंगे, सादा में टोपी कैप लगाई है। थाना बिशनगढ़ में कुछ दिनों पहले एक मंदिर में घंटे चोरी हुए थे, और भी कई मंदिरों में आप लोगों के ज्ञान में भी, आप लोगों के संज्ञान में भी मामला है, कई मंदिरों में घंटों की चोरी हुई थी, तो उसमें छिंदवाड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, उसके पास से 20-22 घंटे बरामद हुए थे।
क्योंकि घंटा चोरी का मुकदमा लिखा गया किशनगढ़ थाने में, इसलिए उसको किशनगढ़ को दे दिया था छिबरामऊ पुलिस ने पकड़ के। उसके बाद उसकी पूछताछ के बाद, उससे कहने के बाद, कुछ लोगों को किशनगढ़ पुलिस ने पकड़ा था और वही सब यहाँ आ जाए थे, जिसकी मैं जांच कर रहा हूँ अभी। और ये पूरा प्रकरण जांच करने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या है और क्यों उनको पकड़ा गया था। सर, ऐसे परेशान किए जा रहे हैं लोग, कई परिवार को परेशान किया कर रहे हैं। जो भी लोग अभी आए थे मेरे ऑफिस में, सभी के बयान मैंने नोट करा लिए हैं। अभी मैं फिर जाकर थाने पर देखता हूँ कि क्या इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और क्या मैटर, पूरा जो भी होगा सही कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, पैसे ऐसे का मामला भी है, पैसे ऐसे की मांग कर रहे हैं, वो सारा जांच का विषय है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी लोगों के बयान मैंने नोट कर लिए हैं। अभी मैं थाने जाकर देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी ले आई गई है और किन किन लोगों को बुलाया गया था और सच्चाई क्या है मामले में, पूरी सच्चाई करके देख के उस पर उसको जाँच पूरी करके मैं इसकी रिपोर्ट पटन साहब को देता हूँ। इन लोगों पूछ रहे हैं कि वोट किसको दे, वो सारी चीज़ें जांच का विषय है। और जो भी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं, जो भी तथ्य, जो भी आरोप इनके हैं, सभी आरोपों का गहराई से मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद इसकी तथ्यात्मक आख्या एसपी महोदय को भेज दूंगा। कन्नौज से दिलीप कश्यप के साथ दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT News 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।